नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आज प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर जोरदार हमला बोला। अपने चिरपरिचित अंदाज में सम्राट ने दोनों को घोटालेबाज बताया और कहा कि आरजेडी घोटाला बाजों की पार्टी है और नीतीश कुमार ने इस पार्टी को दो बार संजीवनी देकर जिंदा कर दिया है। लेकिन आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव और फिर 2025 के विधानसभा चुनाव में इस पार्टी को हम निस्ता नाबूद कर देंगे, इसका नामो निशान मिटा देंगे। सुनिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किस तरह आरजेडी और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। अपनी पार्टी चला रहे देश में टूजी का मतलब हमारा स्पष्ट मानना है कि दो जनरेशन वाले पॉलिटिशियन और 3G का मतलब है तीन जनरेशन के पॉलिटिशियन और 4G जो चार जनरेशन इससे इस देश को लूटने का काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के युवराज चौथे जनरेशन के पंडित नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और आज राहुल गांधी, इन चारों ने इस देश को लूटने का काम किया, ये हमने कहा है। और तीन जनरेशन से करुणानिधि जी के परिवार के लोग जो लगातार सनातन के खिलाफ बोलते आ रहे हैं, चाहे वो करुणानिधि जी हो, एस्टेलिन हो या उनका पुत्र हो, तो तीन जनरेशन से। और इस आप देखेंगे उसके बाद बिहार, यूपी और बंगाल में जो दो जनरेशन के पॉलिटिशियन हैं, लालू जी ने लूटा, तेजस्वी यादव ने लूटा, ममता बनर्जी जी ने लूटा बंगाल को, उनका भतीजा भी लूट रहा है, उसी तरह अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव, ये सारा लोग पूरे देश में जानते हैं। ये सारे लोग दो जनरेशन को बदनाम करने का काम कर। सर मोदी जी ने भी कहा जिसने लूटा है उसको चुकाना पड़ेगा, क्या इन्हें चुकाना पड़ेगा? एकदम चुकाना पड़ेगा। बिहार की जनता और देश की जनता 2024 में इन सभी लोगों का हिसाब करेगी। विधानसभा चुनाव वो होगा क्या भंग करने की बात तेजस्वी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार? अरे तो चुनाव में तो चल ही रहे ना, तो लोकसभा के चुनाव में लड़ रहे। तो इतिहास बताना चाहते हैं कि लालू जी 2005 से लगातार हार रहे हैं, नीतीश जी कभी कभी बीच में संजीवनी दे देते थे, अब आगे उनको कोई संजीवनी देने वाला नहीं है। 2024 भी हारेंगे और 25 भी हारेंगे। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत का जो सपना साकार करने जा रहे हैं उसमें युवाओं का, दो तिहाई युवाओं का बड़ी भागीदारी होगा। और जो जमीन पर नहीं दौड़ पाते हैं, हवा में उड़ते हैं, ऐसे लीडर अनुभवहीनता में राहुल गांधी जी जैसे लोग कुछ बोल देते हैं। अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सोने के चम्मच लेके जन्म लिए हैं, अनुभव है नहीं लेकिन पद बड़ा मिल जाता है, वंशवाद और का आशीर्वाद मिल जाता है, उसी पहचान से अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं जिससे ये सारी गड़बड़ी होती है। आज हमने भी तो कहा कि उड़ने के पहले दौड़ना पड़ता है और दौड़ना जब भी होगा तो जमीन पर, और जमीन पर जो नहीं दौड़ेगा वो उड़ नहीं पाएगा, वो बड़े राजनेता नहीं बन पाएगा। तेजस्वी यादव 3 तारीख को रैली करने वाले हैं, महागठबंधन के बड़े नेता सब जो है वो पटना आएंगे। अब बोल रहे हैं कि बिहार के जो व्यक्ति जनता ने विश्वास व्यक्त करता है कि सदन में जाकर के मेरी बात को रखेंगे, मेरी बात को उठाएंगे, मेरी समस्या के समाधान के लिए सरकार को सजग करेंगे, वो व्यक्ति चलते सदन को छोड़ के ये गैर जिम्मेदाराना काम है, जनता के साथ ये विश्वासघात है। सदन में समय देना, अरे इतनी छोटी सी अवधि में सदन चलती है और सदन में नहीं रहना, क्या इन लोगों को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है? सदन के बाद भी आप कर सकते हैं, सदन छोड़ करके 15 साल उधर अवसर मिला, 7 साल इधर अवसर मिला, जनता के बीच मेवा के चक्कर में कभी सेवा के भाव से नहीं घूमते थे,
और जब सदन में जिम्मेवारी नेता प्रतिपक्ष का निभाना है तो जन विश्वास हासिल कर रहे हैं। अरे जनता ने तो आप पर विश्वास ही नहीं किया था, जनादेश आपको नहीं दिया था, जनादेश पिछले दरवाजे से घुस के चले आए और मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार को ये बर्बाद कर देगा, लूट लेगा, इसका नेचर नहीं बदला, बाहर किया है, तो डरे हैं और बौखलाए हुए हैं। बोल रहे हैं कि बिहार की सीएम थक गए हैं, बिहार अब चल नहीं रहा है, वो वक्त बताएगा।